हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिना किसी मेहनत और बिना किसी मसाले के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पोई साग। मानसून के मौसम में पोई साग भरपूर मात्रा में बाज़ार में मिलता है, तो आप इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। इसके साथ ये मानसून मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम और भी बहुत सारे परेशानियों से आपको ये बचाता है और बहुत ही ये लाभकारी है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पोई साग बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 kg पोई साग लिया था, और ये देखिए ये इस तरीके से बड़े बड़े इस तरह के पत्ते होते हैं। और पोई एक बेल का पेड़ होता है जिसके लंबे लंबे लते होते हैं। पोई साग के पत्ते को हम डंठल से इस तरीके से तोड़ लेंगे, ये इजीली टूट जाता है। इससे में जो भी मिट्टी और धूल लगा है पहले हम तोड़ करके पोई साग के पत्ते और डंठल को अलग कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने पोई साग के पत्ते और डंठल को तोड़ लिया है। डंठल को यहाँ मैंने चाकू से छोटे छोटे पीस में काट लिया है, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। हम इस तरीके से पोई साग के डंठल को भी इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, और इसे भी हम पोई साग में ही मिक्स करके बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर मिलेगा। और इसके मोटे मोटे स्किन को हम इस तरीके से छील लेंगे, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से छील लेने से जिससे साग बनाते समय डंठल हमारा इजीली और जल्दी पकेगा। और ये देखिए यहाँ मैं आपको इसका छिलका निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हम डंठल के भी छोटे छोटे पीस को काट लेंगे। और चलिए अब हम इसे धो लेंगे। धोने के लिए यहाँ मैंने एक पतीली में भर के पानी लिया है, या बड़े बर्तन में पानी लेंगे। पानी में हम इस तरीके से पहले पत्तियों को डालेंगे। पत्ती डालने के बाद हम इसमें छोटे छोटे डंठल को भी डाल देंगे। और अब हम हाथ से अच्छे से इसे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए हम पत्ती और डंठल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 से 3 बार पानी में भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा साग अच्छे से धुल गया है। हम इसे एक टोकरी में छान लेंगे, और टोकरी को हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा। और ये देखिए साग का एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। और अब हम चलिए इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे। चॉपिंग बोर्ड पे हम पहले साग की पत्तियां लेंगे। पोई साग की पत्ती ले करके आप इस तरीके से एक एक को अच्छे से फोल्ड कर ले। और अब हम इसे चाकू या नाइफ से बारीक कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से आप बारीक कट करेंगे तो पोई साग आपका जल्दी जल्दी पकेगा या कुक होगा। और ये देखिए इसी तरीके से हम सारे पोई साग के पत्ते को काट लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने पोई साग के पत्ते को बारीक कट कर लिया है, और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। साग बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है, आप इसके अलावा जो तेल आप खाते हैं वो ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च को चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे, जिससे प्याज और मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। प्याज हमारा भुन गया है, और अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप अदरक लहसुन की पेस्ट की जगह बारीक कटा हुआ लहसुन या अदरक भी डाल सकते हैं। और अब हम लहसुन अदरक को भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए हम इसे चलाते हुए मिनिमम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। और मसाले हमारे भुन गए हैं, और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पोई साग के डंठल को डालेंगे। और अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, और अब हम इसमें बारीक कटे हुए पोई साग की पत्ती डालेंगे। पत्ती डालकर
गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल करके अब हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए नमक और बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे साग हमारा अच्छे से मिल जाएगा। और ये देखिए, साग हमारा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। और इसी तरह से हम एक से डेढ़ मिनट के लिए साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालकर साग को पकाते हुए एक मिनट हो गए हैं और ये देखिए, साग काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए, साग को हम एक बार चेक कर लेते हैं। साग को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम साग को चेक कर लेंगे कि साग हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। और ये देखिए, साग हमारा अभी नहीं पका है। हम इसे चला लेंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे ढक करके पकने देंगे। साग हमारी अच्छी तरह से पक गया है और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ एक टमाटर डालेंगे। टमाटर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर डाल करके हम साग में इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे, जिससे टमाटर हमारा साग के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गया है और ये देखिए, साग हमारा अच्छी तरह से टमाटर के साथ सॉफ्ट हो गया है और ये पक भी गया है। और अब हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए, अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से पोई साग आप घर पे ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। पोई साग आयरन और विटामिन से भरपूर होता है, तो आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब हम इस पे हरी मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे चावल, चपाती, किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी। और कमजोरी, खून की कमी या आँखों में प्रॉब्लम हो तो आप इस साग को ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। ये सभी तरह के प्रॉब्लम और परेशानियों को दूर करता है। और चलिए, अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ अगले नए रेसिपी में। तब तक आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।